मुंबई में लगातार घर फोड़ी व चोरी छिनैती जैसी वारदातें बढ़ती जा रही हैं। उसी क्रम में मुंबई के समता नगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत अलबू यादव चौक हनुमान नगर में 3 महीने पहले एक घर में करीब 3 लाख के लगभग माल की चोरी हुई थी, जिसमें पीड़िता ने मामले को समता नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया था। वहीं इस मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, जिसमें क्रमवश मंदा पानसरे, उमेश पानसरे, कविता पानसरे, विष्णु खोतकर, अंशुबाई खोतकर के नाम दर्ज हुए थे। परंतु पुलिस ने अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़िता के अनुसार लाखों के गहने, घर में रखे कैश, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट और रिजल्ट चोरी हुई थी। वहीं पीड़िता ने बताया कि जिन आरोपियों के खिलाफ FIR में नाम दर्ज थे, वही आरोपी अब पीड़िता के इलाके में भाड़े पर रूम लेकर रहने लगे और पीड़िता को लगातार धमकियां देते कहते कि वापस हम तुम्हारे घर में चोरी करेंगे। वहीं पुलिस के कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मुंबई से गौरव राज पुरोहित की एक रिपोर्ट। 2 सितंबर को मैंने FIR लॉन्च कराई, जिसमें मेरा घर फोड़ी का केस हुआ है, बट उसके खिलाफ अभी तक पुलिस कुछ एक्शन नहीं लिया। क्या क्या चोरी हुआ था? मेरा उसमें गहना, 15,000 कैश और मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो सब चोरी हो गए। इसके लिए मैं पुलिस चौकी में बार बार भाग रही हूँ। पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस बोल रहे कि आप अपने तरीके से अभी नया डॉक्यूमेंट्स बनाओ। वो ऐसा भी नहीं कर रहे कि चलो मैं कुछ FIR लॉन्च किया हुआ है तो मैं जाके आरोपी को कुछ बोल के उनको बुला के उसके बारे में पूछताछ करूँ, ऐसा कुछ कर रहे ही नहीं। वो सिर्फ मुझे बार बार बोल रहे कि आप अपना नया डॉक्यूमेंट्स बनाओ। तो ये डॉक्यूमेंट क्या क्या थे, रिजल्ट्स थे क्या? हाँ, जिसमें रिजल्ट्स है, LC है, मेरे बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट है, मेरे बर्थ सर्टिफिकेट, मेरे हस्बैंड के, ये सब है, और मेरे हस्बैंड के ITI, NCVT, ये सब के रिजल्ट है जो बहुत इम्पोर्टेंट। सीनियर PI प्रवीण राणे आपको कॉपरेट नहीं कर रहे क्या? जी नहीं, मैं कितनी बार मिलने आई हूँ पर अभी तक उनसे मुझे एक बार भी मुलाकात नहीं हुई। और नरेंद्र शिंदे साहब आपको? नरेंद्र शिंदे साहब से मैं 2-3 बार मिल चुकी हूँ, इस पर उन्होंने कुछ नहीं आश्वासन दिया, सिर्फ इतना ही बोल रहे कि आप जाके इस पुलिस से मिलो, उस पुलिस से मिलो, बस।